एचएसएनसी यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी प्रोवेस्ट एचएसएनसी यूनिवर्सिटी मुंबई, डॉक्टर हेमलता बागला कुलपति एचएसएनसी यूनिवर्सिटी, श्री अनिल हरीश ट्रस्टी, श्री भगवान बलानी रजिस्ट्रार, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के सदस्य, एचएसएनसी विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य, संकाय के सदस्य, अभिभावक, केसी कॉलेज, एचआर कॉलेज और बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्री स्नातक छात्रों, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं एचएसएनसी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त कर रहे सभी स्नातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आपके माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाई है। मैं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और यहाँ की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत के फल स्वरूप आज आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। इस यूनिवर्सिटी का जन्म लॉकडाउन के बीच हुआ, इसलिए अन्य विश्वविद्यालयों से विपरीत यह विश्वविद्यालय पहले दिन से ही टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, जो वास्तव में सराहनीय है। हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के इतिहास कुछ व्यक्तियों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता की कहानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के विभाजन के बाद सिंध प्रांत से बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर मुंबई आना पड़ा। इन सभी प्रवासियों में एक बात समान थी कि वे लगभग खाली हाथ आए थे। अपने घर, कृषि भूमि, व्यवसाय और यहां तक कि शैक्षणिक संस्थान भी छोड़कर मुंबई आने वालों में हैदराबाद सिंध के एक कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षक शामिल थे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और अपनी नौकरी खो चुके शिक्षकों को रोजगार प्रदान करने के लिए यहां मुंबई में अपना स्वयं का शैक्षणिक संस्थान फिर से शुरू करने का फैसला किया। वर्ष 1948 में मुंबई के बांद्रा में नेशनल कॉलेज का निर्माण एचएसएनसी बोर्ड के लिए पहला बड़ा मील का पत्थर था। एचएसएनसी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का शुभारंभ एचएसएनसी बोर्ड के लिए दूसरा प्रमुख मील का पत्थर है। भले ही आपका विश्वविद्यालय मात्र 4 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका इतिहास 76 वर्ष पुराना है। आज जब एचएसएनसी यूनिवर्सिटी राज्य के उच्च शिक्षा परिदृश्य पर अपनी पहचान बना रहा है, हमें प्रिंसिपल के एम कुंदानी, बैरिस्टर होपचंद अडवाणी, स्वर्गीय डॉक्टर एल एच हीरानंदानी जैसी कुछ महान आत्माओं को कृतज्ञता के साथ याद करना होगा। देवियों और सज्जनों, भारत के अमृत काल में स्नातक होने वाले छात्रों के रूप में आप राष्ट्र की नियति को आकार देने जा रहे हैं। आप 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनते हुए देखेंगे और उसे विकसित राष्ट्र बनने में आप अपना योगदान भी देंगे। केवल अच्छी नौकरी से देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। आप में से हर को जॉब क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर और वेल्थ क्रिएटर बनने का आह्वान करूंगा। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व की वजह से हमारे देश में पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति पेश की गई है जो उद्यमता, नवाचार, अनुसंधान, रचनात्मक सोच और महत्वपूर्ण चिंतन पर जोर देती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को
बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के आयोजन, शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और प्रशासन सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। मैं HSNC विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानक स्थापित करने का आह्वान करूंगा। आप जिस नए समाज में कदम रख रहे हैं वह एक उद्यमशील समाज है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई उद्यमी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप जहां भी खड़े हो या नौकरी करते हो, आपको उद्यमशीलता की भावना से काम करना होगा। आपको एक टीम लीडर और एक प्रमोटर बनना होगा। HSNC के सभी स्नातक छात्र वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इस संस्थान के प्रमुख डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी स्वयं एक अत्यंत यशस्वी बिजनेस लीडर है, तो आपको किसी और रोल मॉडल को देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय की महानता उनकी सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखने की क्षमता में निहित है। उनकी सफलता ऐसे पाठ्यक्रमों की पेशकश करने में निहित है जो समय से आगे है। उनकी सफलता अपने स्नातकों में आलोचनात्मक सोच और नेतृत्व गुणों को विकसित करने में है। यह वही परिवर्तन है जिसकी हमें आवश्यकता है और हम चाहते हैं। यह विश्वविद्यालय भाग्यशाली है कि यह दक्षिण मुंबई के व्यापारिक जिले में स्थित है। कई कामयाब कॉर्पोरेट लीडर्स, फिल्म मेकर्स इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय से सभी पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय के विकास में जोड़ने का आह्वान करूंगा। मैं विश्वविद्यालय से यह भी सुनिश्चित करने की अपील करूंगा कि प्रत्येक छात्र को सर्वोत्तम संस्थानों, उद्योगों और कॉर्पोरेट घरानों के साथ इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप करने का अवसर मिले। आज कई विदेशी यूनिवर्सिटीज देश में अपने कैंपस खोल रहे हैं। हमें उत्कृष्टता का स्तर ऊंचा उठाना चाहिए और सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हमें अपनी भाषाओं में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और आप लोगों को आज ऐसा लग रहा होगा कि पूरा कार्यक्रम हिंदी में हो रहा है। और हीरानंदानी जी बहुत डरते डरते अपना भाषण दिए। जब नई शिक्षा नीति 2020 को हम लागू करने की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से है कि हमें राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पर जोर देना है। जब मैं हिंदी की बात करता हूं तो कई लोग सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी का विरोधी हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। हमें गर्व होनी चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और मातृभाषा मराठी है, और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जैसे ही यहां पर राज्यपाल के रूप में आया और यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर की मीटिंग लिया, और पहले मैंने उन्हें कहा कि आपको अगर नई नीति 2020 लागू करना है तो सबसे पहले आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के पुस्तक मराठी में ट्रांसलेट करिए, और काम चालू है। कई लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी को हम कैसे देखते हैं, जो शब्द है उसको हम कैसे हिंदी में लाएंगे। मध्य प्रदेश ने सारे पुस्तकें हिंदी में करके दिखा दिया है और वह कोर्स में चालू हो गया है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजी का है वास्तव में हिंदी शब्द कैसे ढूंढे, तो कई लोगों को कठिनाई भी होगी। लेकिन
विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी भाषा स्वयं की हो। हर देश की भाषा में दूसरे देशों के शब्द उन लोग आप शामिल किए हैं, और हमें भी अपने भाषा में हिंदी में जो अंग्रेजी शब्द है उसको अपना लेना चाहिए। अगर हम नहीं अपनाएंगे तकलीफ कहां होगी, जब क्लिष्ट हिंदी जब हमको हमारे सामने आता है तो हमको भी समझ में नहीं आता। अब वो गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं, गूगल क्या बता रहा है पता नहीं। अब कहीं रेलवे रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है, अब रेल का हिंदी हम कहां से लाए? अगर रेल का सही मायने में हिंदी शब्द लाए तो लौह पथ गामिनी, प्लेटफार्म का हिंदी क्या होगा? लौह पथ गामिनी आवक जावक। अब कौन बोल पाएगा इसको? एक्चुअली भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा वही होनी चाहिए जो आम जनता समझ सके और बोल सके। हमें अंग्रेजी शब्द को हिंदी में अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम इस भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लाएं, और आपको मैं एक बात बता दूं, जब मैं राजभाषा में काम करता था पार्लियामेंट में, तो हम राजभाषा के हर राज्य में जाकर देखते थे कि दफ्तरों में ऑफिसों में हिंदी कितनी बात कितने प्रतिशत काम हो रहा है। हम जब इसरो गए और इसरो में हम जब मीटिंग लिए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आपको जानकर भी आश्चर्य होगा कि देश में पहली संस्था इसरो है जो 100% हिंदी में काम करता है। लेकिन सबको आश्चर्य होता है कि इसरो जो साइंस है, साइंटिस्टों का जो काम है वो कैसे हिंदी में काम करते होंगे। फिर मुझे डायरेक्टर ने अपने ऑफिसों को घुमाया, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि जितने अधिकारी वहां पर हैं उनके चैंबर के सामने जो नेम प्लेट है सारे के सारे हिंदी में थे। मैंने उनको पूछा कि आप कैसे आप हिंदी में आप काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम विदेश गए थे एक कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस चालू होने के पहले हम सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे, लेकिन जैसी कॉन्फ्रेंस चालू हुआ हर कोई अपने देश की भाषा में बोलना चालू कर दिए। तो हम लोग भी बैठक से निकलने के बाद हमने निश्चय किया कि हम भी अपनी मातृ राष्ट्रभाषा को हम अपनाएंगे और उसका ट्रांसलेट करेंगे। और उन्होंने अपना डिक्शनरी बनाया और आज पूरा काम हिंदी में कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि हम हिंदी नहीं जानते, तो हमको उसका दुख नहीं होता, लेकिन हम अंग्रेजी नहीं जानते इसका दुख कई लोगों को होता है। जबकि होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा को हम ना जाने तो हमें शर्म महसूस करने की कोई जरूरत, इंफ्रेटी कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए। जबकि जिसको हिंदी नहीं आती उनको इंफ्रेटी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। जापान में छात्र जापानी भाषा बोलते हैं। यदि आप फ्रांस के विश्वविद्यालयों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंच भाषा सीखनी होगी। इसी तरह जर्मनी में भी मैं आप सभी से सर्वोत्तम अंग्रेजी और यहां तक कि विदेशी भाषाएं सीखने की अपील करता हूं। लेकिन अगर आप भारत को एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनके देखना चाहते हैं तो अपनी भाषा गर्व के साथ बोलें। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मैं चाहता हूं दुनिया के अन्य देशों की भाषा सीखे और ज्ञान बढ़ाए। ईमानदारी, सत्य निष्ठा और नैतिकता के मूल्यों के कारण भारत विश्व गुरु बन गया। मैं आप सभी से अपने कार्य के माध्यम से देश की सेवा करते हुए
ईमानदार रहने और नैतिक मूल्यों का आचरण करने का आह्वान करूंगा। मैं अपने छात्र के व्यक्तित्व विकास के लिए खेल और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को बधाई देता हूं। एक बार फिर मैं SHNC यूनिवर्सिटी और उनके स्नातक छात्रों को दीक्षांत समारोह के अवसर पर बधाई देता हूं। आज का दिन दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए कितना महत्व होता है। मैं जब नाम पुकारते थे, जब छात्र मेरे पास आते थे, मैं गोल्ड मेडल उनके गले में डालता था, उनका चेहरा देखने लायक होता था कि खुशी कितनी होती है। साल भर के इंतजार के बाद वो उनको लगता है कि हम जो मेहनत किए हैं उसका पुरस्कार हमको मिल रहा है। कई तो हड़बड़ी में इतना था कि गोल्ड मेडल पहने नहीं थे और वो डिग्री छीनना चालू कर दिए थे। कई लोग अति उत्साह भी थे। आज का कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी के सारे अधिकारियों को बधाई देता हूं और आप सभी की सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।